प्यारे बच्चों, हम पिछली वीडियो में देख रहे थे स्क्वैमस एपिथेलियम के बारे में, यानी सल्की उपकला के बारे में। तो सल्की उपकला कार्य होता है डिफ्यूजन और फिल्ट्रेशन में, यानी विसरण और छानना में। तो इसके एग्जांपल, ये उपकला कहाँ कहाँ पाई जाती है, जैसे ब्लड वेसल्स में, खून की नलिकाओं में, लिम्फ वेसल में, लसिका की नलिकाओं में, और हार्ट की जो इनर लाइनिंग होती है, हमारे हृदय की जो इनर लाइनिंग होती है उसमें पाई जाती है, और कूपिकाओं में पाई जाती है, हमारे फेफड़ों की कूपिकाओं में पाई जाती है, यानी हमारे एल्वियोलाई ऑफ लंग में पाई जाती है। इसी तरह घनाकार उपकला क्यूबॉइडल एपिथीलियम, इसका कार्य होता है श्रवण, सिक्रीशन, अवशोषण, एब्जॉर्बेशन और उत्सर्जन, एक्सक्रीशन। तो ये कहाँ कहाँ पाई जाएगी, किडनी में पाई जाएगी, किडनी के नलिकाकार भागों में पाई जाएगी, और ग्लैंड की वाहिकाओं में भी ये पाई जाती है। इसी तरह स्तंभाकार उपकला के बारे में देखेंगे, कॉलमनार एपिथीलियम के बारे में, तो इसका काम होता है श्रवण, सिक्रेशन, अवशोषण यानी एब्जॉर्बेशन, और इसका काम होता है, और ये कहाँ कहाँ पाई जाती है, स्टमक में यानी पेट में, आमाशय में पाई जाती है, आंत की इनर लाइनिंग, आंत की आंतरिक भित्ति की लाइनिंग में पाई जाती है। और अगर कॉलमनार एपिथीलियम के ऊपर, कॉलमनार एपिथीलियम के ऊपर ऐसे ऐसे ये कॉलमनार एपिथीलियम हो गई, इसके आधार में इसका न्यूक्लियस हो गया, और इसके ऊपर इस तरह सीलिया प्रेजेंट होते हैं, सीलिया, तो इसे हम कहते हैं सीलिएटेड कॉलमनार एपिथीलियम, सीलिएटेड कॉलमनार एपिथीलियम, सीलिएटेड कॉलमनार एपिथीलियम। सीलिया काम क्या होता है, जैसे कोई कण हुआ, धूल के कण हुआ, या कुछ हुआ, जैसे कोई कार्डियाश्लेष्मा हुआ, तो उसको एक दिशा में भेजने का काम करते हैं सीलिया। और इसके एग्जांपल कहाँ होंगे, ये सीलिएटेड कॉलमनार एपिथीलियम कहाँ पाए जाएंगे, फैलोपियन ट्यूब में पाए जाएंगे, फैलोपियन ट्यूब में पाई जाएंगी, और कहाँ पाई जाएंगी, आपकी ब्रोंकियोल्स में, आपके ब्रोंकियोल्स में, आपकी श्वसनिकाओं में पाई जाती, आपकी श्वसनिकाओं में पाई जाएंगी। अब जैसे हमने ये सीलिएटेड कॉलमनार फैलोपियन ट्यूब में पाई जाती है, और श्वसनिकाओं यानी ब्रोंकियोल्स में पाई जाएंगी, ब्रोंकियोल्स में पाई जाएंगी। जैसे अब देख लिया हमने इसकी कोशिकाओं में इसका केंद्रक कहाँ होता है, इसका न्यूक्लियस कहाँ होता है। इसी तरह हम आज इसके बारे में बात करते हैं, सल्की उपकला के बारे में। तो सल्की उपकला एकदम इसकी जो कोशिकाएं होती हैं वो हमेशा टाइल की तरह दिखती हैं, जैसे टाइल नहीं फर्श पे लगी रहती है, तो उसमें टाइल की तरह बिखरी हुई दिखती हैं, और इसके बीच में इसका न्यूक्लियस का केंद्रक पाया जाता है। और इसमें क्यूबॉइड यानी घनाकार उपकला में इसका केंद्रक इसके बीच में पाया जाता, और इन कोशिकाओं क्यूब की तरह दिखते हैं, जैसे क्यूब नहीं होता, ऐसे 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 क्यूब, तो ऐसे इन कोशिकाएं ऐसे क्यूब की तरह दिखती हैं, इस क्यूब के बीच में केंद्रक होता है इनका। तो आज हमने बात कर ली है सरल उपकला ऊतक के बारे में, पढ़ा कि सरल उपकला ऊतक तीन टाइप के होते हैं, और इसके बारे में हमने बात की है। धन्यवाद बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, थैंक यू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, धन्यवाद।